अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसम अली और आप देख रहे हैं वर्ल्डली इन्फो चैनल। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते हैं कि ISI दुनिया की नंबर वन खुफिया एजेंसी है, लेकिन आपको ये पता है कि ISI मुल्क में मौजूद दुश्मनों को कैसे उठाते हैं? इस वीडियो में मैं आपको लाइव ऐसे मनाज़र दिखाऊंगा कि इसमें ISI के नौजवान कुछ ही सेकंड्स में बंदा गायब कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुंच सके। दोस्तों ISI के नौजवान जब किसी दुश्मन को पकड़ने का मंसूबा बनाते हैं तो वो सब्ज़ी बेचने वाले, शरबत बेचने वाले या सफाई करने वाले का रूप धार लेते हैं। ये ऐसा चेहरा तब्दील कर लेते हैं कि इनको इनकी सखी माँ भी पहचान नहीं सकती। ये एजेंट शक्ल तब्दील करके मुजरमों का पीछा करते हैं और इनको कई महीने और कई सालों तक मांग कर भी खाना पड़ता है। और जब इनको क्रिमिनल्स का यकीन हो जाता है तो वो इनको बड़ी बहादुरी और प्लानिंग के मुताबिक पूरी गैंग को पकड़ लेते हैं या कुचल देते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मार खोर के निशाने से कोई भी सांप बच नहीं पाता। जिस तरह सांप जंगल के किसी भी कोने में छुप जाए, एक ना एक दिन मारखोर उन्हें खा ही लेता है। इसी तरह मुजरिम जितने भी भागने की कोशिश करे, ISI के नौजवान एक ना एक दिन इनको पकड़ ही लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले ही आर्मी की एक गाड़ी खड़ी है, जिसमें मौजूद ISI के नौजवानों को पहले ही किसी ने बता दिया है कि यहाँ से क्रिमिनल्स गुजरेंगे। जो ही क्रिमिनल्स की गाड़ी आती है तो आप देख सकते हैं कि ISI की 3-4 गाड़ियाँ अचानक से आ जाती हैं और मुजरिम को इसकी गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। और मुजरिम की गाड़ी में मौजूद लैपटॉप, मोबाइल और तमाम ज़रूरत की एशिया को भी हिरासत में ले लिया गया है। और दूसरी वीडियो ये है जिसमें आप देख सकते हैं कि ISI के नौजवान कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अचानक एक डेवो बस को रोक लेते हैं। इस बस में क्रिमिनल्स हैं। दोस्तों आपने देखा कि इन एजेंट्स ने कितनी आसानी के साथ चंद सेकंड्स में मुजरिम को गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। इस वजह से ISI को दुनिया की नंबर वन खुफिया फोर्स कहा जाता है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो आए दिन वसात बर्पा करने की कोशिश करता रहता है, वो शायद हमसे बेखबर है और हम इनको बता देना चाहते हैं कि हमने 70 साल तक आपको पढ़ा है और 70 साल तक आपसे लड़ने की तैयारी की है। आखिर पर एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, वो जो करते हैं हमें मिटाने के दावे, शायद वाकफ नहीं हमारे हौसलों से। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके।